हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है और मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपने घरों पे अच्छे से गर्मी से बचाव में रह रहे होंगे और अपने अपने काम भी साथ में कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं पूरे दिन में। वो छोटा सा एक ब्लॉग आपके लिए है, कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों आगे हम चलते हैं, क्योंकि आज मुझे नहर पे जाना है और नहर पे से मुझे ईंट लेके आनी है, क्योंकि जो मेरा दरवाजा है मेन गेट, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन ढलान की वजह से पानी भर जाता है, तो उसके लिए मुझे इंतजाम करना है। मिस्त्री लगेंगे तो कल मेरे मिस्त्री लगेंगे, आज ही लगने थे लेकिन एक पड़ोस में लेंटर डल रहा है तो उसकी वजह से आज हमने अपना काम को हमें रुकवाना पड़ा आज हमने अपने काम को रुकवाना पड़ा क्योंकि उनके ट्रैक्टर आ रहे जा रहे थे तो हमारे रोड पे, फिर हमारा रोड ऊंचा नहीं हो पाता। अपना ही दरवाजा ऊंचा कराऊंगी और मैं आपको कल दिखाऊंगी भी कि मेरा कैसे कैसे काम हो रहा है। तो दोस्तों नहर पे से ईंट लेने भी जाऊंगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने प्याज भून रही हूँ क्योंकि मैं नमकीन चावल छौंकूंगी या चाय बन रही है। हाँ तो मैं उधर से चावल खा जाएगा थोड़ा सा, ना कह रहा है वो पराठा खा के जाने के लिए। पराठा और ये बनाना शेक दे दो। बन गया बनाना शेक? हाँ दे दो। चाय भी बन गई, आप चाय ले लो। पहले ना पूछो, अभी मैं सेक रही हूँ पराठा, अभी तो बस मैं फ्राई कर दूँ ये चावल। लल्ला है? हाँ जितना पिया जाए पी लो बनाना शेक। और ना कह रही हूँ पराठा भी सेक रही हूँ अभी। बंद कितना कम है? ज्यादा ज्यादा। लो भैया भरो इसे चावल ना टिफिन में, और पराठा पकड़ो रे अपना उसको खाने के लिए नाश्ते में, जल्दी आओ। लो टिफिन में भरो इसको, जाओ जल्दी फटाफट। नहीं जाओ ठंडा कर देंगे हवा में, टिफिन भर में भर के लो। इतने पूछ रही हो बातें बहुत है बहुत। चलो चावल पैक कर देती हूँ। चलो मेरा बेटा अब स्कूल जा रहा है, उसे स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलाओ चलाओ ताऊ जी के साथ, चलाओ ताऊ जी के साथ चलाओ। ओ वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, बानू चला के दिखाएगी। बानू चलाओ, बानू चला के दिखाओ बेटा। चला ना चलाओ। हाँ चलाओ। ओहो कितनी चालाक है। चलाओ 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 चलाओ। वेरी गुड। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। चला बानू चलाओ। नो कह रही आज लात। चलाओ चलाओ चलाओ। आओ बेटी चलाओ 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 चलाओ। ओली एनी बिनुआ, ओ बिनुआ चलाओ। नहीं चलाओगी? चलाओ गुड गर्ल, चलाओ बिन्नू।
गिना चला रही डिंचक 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 देखो ये नहीं चला रही ना बिन्नो चलाओ बाबू देखो चलाओ 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 चलाओगी चलाओगी हाय दोस्तों, मैं नहर पे से ईंट ले आई हूँ और उसके बाद में हम कल कराएंगे काम, क्योंकि आज तो बारिश बताई है, हमारे दरवाजे पे पानी भर जाता है तो उसका हम इंतजाम करेंगे। दोस्तों हम ईंट ले आए हैं और ये हमारी छोटी सी बानू, छोटी सी बानू, देखो दोस्तों, थोड़ा शाम के समय में थोड़ा खाना कम पड़ गया तो अब हम मैगी बनाएंगे और जो रोटी हमारी बची हुई उनके पराठे बनाएंगे, ठीक है। देखो गैस ऑन करते हैं और थोड़ी सी मैगी बनाते हैं तड़के वाली, थोड़ी सी, और पराठे बनाते हैं। ये हमने दूध उबाल लिया है, मैंने दूध उबाल लिया है, अभी तेल डालती हूँ। बढ़िया सी मैगी बनाते हैं, थोड़ी सी हल्का सा ऑयल डाल के स्पाइसी सी कुछ के पराठे बनाते हैं। लसन और ये मेरी प्याज, हरी मिर्च, मेरी प्याज हरी मिर्च डाल दिया, इसको भूनने देते हैं। लहसुन डाल देती हूँ और ना दूध को जाली दे देना जी, ढक दो, जाली दे देना दूध को, कुछ गिर जाए कभी। मसाला बनेगा ना थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, हल्की सी हल्दी, पीली पीली सूप मानते हैं तो हल्की सी हल्दी, पानी गर्म होगा पहले तो, अब उसे पानी गर्म होने देते हैं, बस इसको फिर मैगी डालेंगे बाद में। अब इस पानी को पकने देते हैं, उबाल आएगा तब इसमें मैगी डाल देंगे, जब तक वो और कुछ काम कर लेते हैं। देखो ये लाल चटनी बना रहे हैं, पानी वाली जो बनाते हैं लाल चटनी, देखो पानी में घोल के नमक और मिर्च, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ में। अभी पानी में उबाल नहीं आया है और अब हम बनाते हैं पराठे, पराठे बनाएंगे, मतलब ये रोटी बची हुई है उसी की, उसी सुबह की रोटी की पराठे से बना के, और चटनी देखो अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा खाने में, बहुत स्वाद लगती है। देखो ये मेरा तवा गरम हो रहा है, इसे गरम होने देते हैं। अभी ये लिया हमने तेल, तेल को इस पे चुपड़ा, ये डाल दी रोटी, मैंने थोड़ी गीली कर ली है रोटी पानी में, ये हम तेल लगाते हैं, अपना लगाते हैं तेल, आउच, अब इसको गर्म होने देते हैं, अच्छे से भूनने देते हैं। अब ये देखो गर्मी लग रही है दोस्तों, बाहर का पंखा चला दो, हाँ बाहर का चला दो। ये बन रहा है पराठा, पसी पसी रोटी का पराठा, सुबह की रोटी का पराठा खाएंगे, गर्मी। ये देखो मेरा पानी उबल गया है मैगी का, ये मैंने भी पराठा पलट दिया है, ऐसे क्रिस्पी होने देते हैं, जितना करारा होगा उतना अच्छा लगेगा ये।
और ये देखो मेरा पानी भी उबल गया है मैगी का। अब हम इसमें डालते हैं मैगी। ये देखो पतली हम बनाएंगे इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ज्यादा दिया है, क्योंकि हमें पतली वाली खानी है, वो गाढ़ी गाढ़ी सी भी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी हल्की सी गिल गिली सी। सीख पराठे जल्दी जल्दी सीख करारा हो जा, जल्दी से करारा हो जा। और एक रेडी मैगी, अब बनेगी हमारी मैगी बढ़िया बढ़िया मैगी। सोचो कुल्लू मनाली पहाड़ों वाली जगह पे गए हो और वहाँ पे आप मैगी बना के खा रहे हो, क्योंकि हम कहीं जब कुल्लू मनाली वगैरह घूमने जाते हैं तो हम, आपने देखा होगा ज़्यादातर हल्का फुल्का नाश्ता हमारा यही होता है, मैगी। भैया मैगी बनवाओ। हम एक बार रोहतांग पास गए थे घूमने के लिए दोस्तों, तो रोहतांग पास पे कुल्लू मनाली में, तो हमने भी कई बार मैगी बना के खाई थी, बड़ी टेस्टी लगती है मैगी। और ऊपर से क्या कहते हैं, और स्वाद भी आता है, पेट भी भर जाता है, अच्छा लगता है। हालांकि ये नुकसान वाली चीज़ें इन्हें खानी नहीं चाहिए, लेकिन जीभ चटोरी है भाई, चटोरी है जीभ, तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ता है, तो कभी कभी चलता है ये, क्योंकि मैदा है और बनता है इसे, लेकिन कभी कभी खा ही लेते हैं। अब मेरा थोड़ा सा खाना वाना कम रह गया दोस्तों, ये देखो 11 बज रहे हैं, ये रहे देखो, और अब मैं क्या करूँ, अब मैं 11 बजे का तो कुछ इंतजाम करूँगी ना। लो जी यसु, ओ मास्टर जी ले जाओ अपना पराठा उठा के हाथे, बन गई तुम्हारा पराठा, बनवा मैगी बन गई। हम यूपी के हैं, हमारे यूपी में ऐसी ही भाषा बोली जाती है। ले जाओ जी अपना खाना, ले ओ पराठा और ये चटनी और ये अचार। अब हाँ, बीच वाले कमरे में ही बैठना, उसमें थोड़ी ठंडक है भाई। हाँ, रोटी जो पानी में भिगो रखी है, डल गई। दोस्तों हम कई बार पहाड़ों में गए हैं घूमने के लिए, मई जून की छुट्टियों में जाते हैं, और ऊपर से अब तो काफी दिनों से नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई का थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन अब बच्चों से फ्री हो जाएंगे तो घूमने पे ही रहेंगे, और आपको घूमने का ब्लॉग बनाया करेंगे, और जगह जगह, क्योंकि फिर हम भी फ्री, अपने बच्चे जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए, बाकी इस ऊपर वाले की जब उसको बुलाना हो बुला लेगा दोस्तों। और बाकी कोशिश यही रहेगी कि खूब हम भी घूमें फिरे, और अपने दोस्तों को भी अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएँ अपने बारे में। देखो दोस्तों मेरा सादा सिंपल ब्लॉग होता है, अभी हम लोग अभी शुरुआत करी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे से लग रहा है, बढ़ ही जाएंगे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे। और दोस्तों अभी इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है मुझे, और इतने अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि चलो कोशिश तो कर ही रही हूँ। आपकी दुआ से और आपका सपोर्ट रहा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आप जब किसी के साथ खड़े हो जाए सब्सक्राइबर तो ज़िंदगी बदल देते हो। एक बस सब्सक्राइब करना पड़ता है और थोड़ा सा समय देना पड़ता है, कोई नहीं दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों अब मेरी मैगी भी बन गई, अभी देखो पतली सी बन रही है मैगी, अभी थोड़ा सा बनने देते हैं इसे, और हम मिलते हैं खाने के समय पर। अब हम आपको खाने के समय पे मिलेंगे, ठीक ठीक। मैगी खाते हैं, और ये देखो मेरा बेटा साइड में चटनी रोटी खा रहा है, और हम साथ में टैप भी देख रहे हैं, वो चटनी रोटी से बहुत पसंद है, तो फिनिश हो गई। और ये देखो ये मैगी। चलो दोस्तों आप सब भी मैगी खा लो, आप भी मैगी खा लो। वैसे
कम खाती हूँ, लेकिन खाने नहीं चाहिए, लेकिन जीभ टटोली कभी कभी अच्छी लगती है, तो आपके नाम की मैं खा लेती हूँ। सही है, थोड़ी कम स्पाइसी रह गई, थोड़ी मिर्च मिर्च कम रह गई, बाकी सही लग रही है, वैसे अच्छी बनी हुई है। ये लीजिए फिर से आपके लिए और आपके नाम का मेरे लिए। मजा आ रहा है दोस्तों खाने में, बहुत मजा आ रहा है। और ये देखो मैगी और मिर्च, मिर्च घोल के लाई हूँ तो मिर्च भी खाऊंगी, मिर्च के बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा। सॉस भी खाते हैं और हम खाते हैं मैगी गर्मा गर्म मजे से पंखे की हवा में। चलिए दोस्तों अब हम खा लेते हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू फ्रेंड।